हेलो एवरीवन, दिस इज अनु श्रीवास्तव। आई विल टॉक विद यू ऑल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। फर्स्ट, इफ नंबर इज गिवन पॉजिटिव एंड सेकंड नंबर इज नेगेटिव, देन हाउ we will multiply. Now look at plus minus minus, so multiply is minus xy. Example देखते हैं, plus 2 multiply by minus 3, plus minus minus 2 3 जा 6. Next, minus x into multiply by plus y, minus plus minus. Example, minus 2 multiply by plus 3, minus plus minus 2 3 जा 6. Next, plus plus क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई। एग्जाम्पल, प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई प्लस थ्री, प्लस 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 टू थ्री जा सिक्स। माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। एग्जाम्पल देखिए, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स। एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे कि माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन लेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर और स्मॉल नंबर कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल सा आपको याद रखना है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही साइन लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डिवीजन, प्लस एक्स डिवाइड बाई माइनस बाई, तो आंसर क्या होगा इसका, एक्स अपॉन माइनस बाई। एग्जाम्पल्स से देखते हैं, प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, तो प्लस माइनस माइनस आपको पता है तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन थ्री और माइनस टू अपॉन थ्री। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू अपॉन माइनस थ्री। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स ये होता है कि डिनोमिनेटर से आपको नेगेटिव साइन रिमूव करना है और न्यूमरेटर में आपको लगा देना है। नेक्स्ट देखिए, माइनस एक्स डिवाइड बाई प्लस वाई, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो एक्स अपॉन वाई हो गया, तो माइनस एक्स अपॉन वाई। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, माइनस टू डिवाइडेड बाई प्लस थ्री, तो माइनस प्लस माइनस और टू अपॉन थ्री। बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। प्लस एक्स डिवाइड बाई प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई, प्लस टू डिवाइडेड बाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, प्लस 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 होता है। नेक्स्ट, माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस माइनस रिमूव हो जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना है, माइनस को माइनस से इस तरीके से अगर हम लिखा हुआ तो माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, दिस इज रॉन्ग मेथड। सिंपली हम टू अपॉन थ्री लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स। देखिए, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की सिंपल सी ट्रिक है, टू थ्री जा सिक्स। सबसे पहले आप डेसिमल को बोल जाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल को बोल कर अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो टू थ्री जा सिक्स लिखा है। अब हम डेसिमल काउंट करेंगे कितने डिजिट्स पहले लगा, तो देखिए यहाँ पे वन डिजिट पहले, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स होंगे, टू। तो टू डिजिट्स के पहले हमें डेसिमल लगाना है, तो आपको पता है टू थ्री जा सिक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें डिजिट कितनी चाहिए, टू, तो उसके पहले हम जीरो लगा लेंगे। आपको पता है किसी भी एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, अगर मान लीजिए जीरो टू लिखा है तो ये टू ही लिखा हुआ है, बट अगर टू के बाद जीरो लगाएंगे तो ये ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है थ्री, तो थ्री के आगे जीरो बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं होगा, बट थ्री के बाद जीरो बढ़ाने पे ये क्या हो जाएगा, थर्टी हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही किया गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, तो फिर डेसिमल हम भूल जाएंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं, टू वन जा टू लिख लिया। अब डेसिमल काउंट करते हैं, वन डिजिट पहले वन डिजिट, टोटल कितने डिजिट्स हो गए, टू डिजिट्स। तो यहाँ पे टू डिजिट पहले आपको डेसिमल आना, तो जीरो कंसीडर कर लिया, टू डिजिट्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 81, यहाँ पे क्या लिखा है 81 और ये 1, तो 81 बन जा 81 होता है, आपको पता है। लेकिन देखिए यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेसेस पहले लगा हुआ है, तो टू यहाँ पर बना, तो टोटल कितने हो गए, थ्री, लेकिन यहाँ डिजिट तो टू है, तो एक जीरो आपको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा और डेसिमल लगा लेंगे 0.081। नेक्स्ट देखिए, अब हम फिर डेसिमल भूल कर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखिए क्या होगा, 21 टू जा कितना होता है, 42 होगा। अब देखिए डेसिमल काउंट करते हैं कितने डिजिट पहले, 1 2, यहाँ पे टोटल होगा 4, तो यहाँ डिजिट कितनी है, 2, तो हम 20 और बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो गया 4, और डेसिमल लगा लेंगे तो आंसर हो गया 0.0042। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 0.0042, नॉट 0.0042, ओके। दिस टू सम फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ। नाउ मूव ऑन, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स को डिवीज़न कैसे कराते हैं, तो सिंपल सा याद रखना है, 0.6, 0.2। मल्टीप्लाई में क्या बताया था कि डेसिमल
डिजिट के पहले जो भी उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लेना है, तो देखिए सिंपली पहले आप 6 को 2 से डिवाइड कराइए तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। बट डेसिमल यहाँ 1 डिजिट पहले, यहाँ पे 1, तो 1 -1 0, यानी कहीं पे भी डेसिमल आपको नहीं लगाना है। जितने भी ये ब्लैंक क्वेश्चंस पड़ेंगे खुद से सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए 0.008 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 8 और 2 डेसिमल भूल जाते हैं, तो 2 4 8 डेसिमल यहाँ कितने हैं, 3 डिजिट पहले यहाँ पे कितने, 1, तो 3 -1 कितना हुआ, 2, तो 2 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए 0.27 डिवाइडेड बाई 0.003 इज इक्वल टू 90। अब 90 कैसे आया, जैसे आपको पता मैंने बोला था कि डेसिमल भूल जाना, तो डेसिमल भूलने के बाद आप देखिए यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 3 इट गिव्स 9, क्या देगा ये, 9 देगा। अब देखिए 9 देगा, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं कि 90 कैसे आ रहा है। जैसे आपको मैंने बताया डेसिमल भूलने के बाद डिवीजन में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ 3 तो 1 बचना चाहिए, तो 1 डेसिमल पहले लगा होना चाहिए, बट यहाँ तो 90 लिखा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, 0.27 ओके डिवाइडेड बाई 0.003, रिमूव डेसिमल, टेक 2 जीरोज इन डिनोमिनेटर, रिमूव डेसिमल, टेक 3 जीरो इन डिनोमिनेटर, 2 जीरोस कैंसिल एंड 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो आंसर कितना हो गया 90, इसलिए यहाँ पे 90 लिखा है। सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट आई एम टेलिंग यू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 24। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट पहले लगा हुआ है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 होगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे, फिर टोटल कितने होगा 4, बट यहाँ डिजिट कितनी है 2, तो 20 आप और बढ़ा लीजिए डेसिमल लगा लीजिए, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 मोर क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व इट योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।